मैंने सीमा से कह के रखा जब भी बात करे बात कराना, पिता भैया मैं आपकी बात डालूंगा नहीं। लेकिन वो शख्स क्या बोलते हैं आपके सबके न्यूज चैनल पर, मेरा बेटा ही जा, मेरा बेटा बड़े होकर सचिन की हत्या करेगा। क्या एक बाप बायोलॉजिकल हो, आर्टिफिशियल हो, ड्रामेटिकल हो, क्या एक बाप का रोल अपने बच्चे के लिए कर सकता है कि वो अपने बच्चे को हत्यारा बनाएगा, हत्या करने वाला बनाएगा? उसने कहा आपने देखा मेरा बेटा ही सचिन की हत्या करेगा, तो साहब ये पाकिस्तान के खून में हो सकता है कि ये बाप को पालने वाले बाप को उसका बेटा हत्या करे? भारत का खून ऐसा नहीं है, की कहानी लेकर चलता। आप क्यों माफी मांगेंगी? आप नहीं माफी मांगेंगी, कोई आपकी आप महान है, आप तो महानता है, दयालुता है आपकी, आप किसी के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? क्या ऐसा अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, फॉरेनर एक्ट के तहत उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ, पीसी रिमांड हुआ। आप हमारी लीगल फैकल्टी से आते हैं, पीसी रिमांड से बड़ी बात कोई नहीं, जेल रिमांड, जेल गई, जेल के बाद अनरेबल कोर्ट ने बेल दी, बेल की कंडीशन के तहत वो रही। और मैं आज भी आपके साथ जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर सीमा आतंकवादी है, जासूस है, तो आप उसे जांच करा लें। जांच में अगर वो अपराधी पाई जाती है, आतंकवादी पाई जाती है, जासूस पाई जाती है, आईएसआई के एजेंट पाई जाती है, आप उसे डबल सजा दीजिए, सिंगल नहीं, उसे डबल मल्टीपल सजा कर दीजिए, और मैं खड़ा हूंगा उसकी सजा को देखने के लिए, डिफेंस नहीं करूंगा। हाँ, अगर प्यार में आई है तो उसे इस बात की सजा मत दीजिए कि वो पाकिस्तान से आई है, भारत में आई है, ये आजादी से पहले दोनों देश एक ही थे, अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो रही है, तो कहां हम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? और कहां, हाँ, सुरक्षा के साथ कभी कोई हो, सीमा हो, अंजू हो, सोनिया अख्तर हो, हमारी क्लाइंट बांग्लादेश से आई, अगर पति के लिए आई तो न्याय दीजिए, अगर वो कुछ गलत करने आई उसे डबल सजा दीजिए। मत देखिए आप मेरी वो बहन है, मेरी बहन कभी आतंकवादी नहीं हो सकती, जासूस नहीं हो सकती, और कभी आईएसआई के एजेंट नहीं हो सकती। हो गई कि बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करने की, हमारी आपकी तो नहीं दृष्टि मानसिकता है, उनकी नहीं, माफी हम मांग रहे हैं, बदनाम करने की उनकी मानसिकता हो। उन्होंने रक्षाबंधन और भैया दूज को क्यों नहीं कहा कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी छोड़ी हुई पत्नी को भी बहन बनाता है और उसको स्वीकार करता है, उसके साथ धार्मिकता के साथ समर्पण करता है, उन्हें ऐसी भावना हमारे यहाँ है, माही खान लाहौर की बहन है, हमारे यहाँ भैया दूज पर एक कितने बहुत दर्जनों नारियल आए टीका लगे हुए, अगर वो चार साल पहले रोते, चार साल, तीन साल, दो साल पहले, एक साल पहले रो लेते, ये तो अभी सात आठ महीने का एपिसोड है, क्योंकि सात आठ महीने में थी इंडिया है। तीन साल की एक तीन साढ़े तीन साल की बच्ची, ये हम वकील साहब, तीन बेटियां माँ से दूर हो जाएं, मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, ये है हमारा गार्जियनशिप करता, मेरे भाई बैठे हैं लॉयर हैं, ठीक है, मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, ठीक है, अगर समझदार बच्चा है तो उससे कोर्ट में पूछा जाए, रोज पूछा जाए, हम कहते हैं खूब काउंसिल की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा जाए, बात की जाए, लेकिन लड़कियों की खासकर मदर बेस्ट कस्टोडियन होती है, बायोलॉजिकल शारीरिक रूप से भी, आप भी समझती हैं, हमारी दो बहनें यहाँ पैनल में हैं, हम दो पुरुष हैं, बाई चांस हम भाई भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, लेकिन पुरुष हैं, लेकिन क्या लड़कियों की जरूरतें, उनकी रिक्वायरमेंट माँ अच्छा समझता या पिता? और जो बच्चे उन्होंने हैं, पहली पत्नी, ये दूसरी पत्नी, अब तीसरी पत्नी है, वो सोचते, वो समझते, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता। क्यों होता ऐसा? कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, चाहे इधर से बेवफाई हुई, चाहे उधर से बेवफाई हुई, कहीं ना कहीं तो ही। उस समय हम आप तो कहीं एपिसोड में नहीं थे, हम आप नहीं थे, तलाक हुआ, चार साल बीते, रहे नहीं रहे, वहां रहे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो सब सीमा अच्छा बेहतर जानती है, अच्छी तरह उस दर्द को बयां करती है, समय समय पर उस दर्द को बोलती है, जब तक उसके पिता रहे, माता पहले एक्सपायर हो चुकी थी, जब तक पिता रहे नहीं आ पाई, लेकिन जैसे पिता की मौत होने के बाद वो अकेली हो गई, और अकेली होने के बाद आ गई, भाई किसका कितना करते हैं, चाहे क्या हो, चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ भी भाई भाई अच्छे भाई भी है, बहुत अच्छे बहन के लिए भी भाई है, लेकिन वैसे दोनों तरह के भाई हैं, तो कोई साहब
मामला है और बच्चों का गार्जियनशिप है, बच्चों से बच्चों की सुरक्षा के लिए और बच्चे जो चाहे वो खोज बच्चों के साथ, मैं ये चाहता हूँ। ये तो डिबेट की बात है, ये तो सब कुछ। देखिए मैं बच्चे मदर है, बायोलॉजिकल फादर वो है। अब बच्चों के साथ देखिए, अगर कुछ लोग यहाँ, अंजू यहाँ से गई बच्चे छोड़ के गए, लेकिन हमारी सीमा तो बच्चे छोड़ के नहीं आई, बच्चे लेके आई। लेकिन सचिन ने तो बच्चे का लेके आओ, और आपको क्या लगा कभी कि सचिन के प्यार में कोई कमी नहीं दिखी, कोई बात नहीं दिखी? सचिन के प्यार में कोई कमी वाली बात नहीं है। बात छोड़िए, मैं तो सचिन की बात छोड़िए, एक मामा का रिश्ता होता तो डबल माँ है, डबल माँ। लेकिन मुझसे वो इतना घिले मिले हैं, जब भी जाता हूँ कंधे पर इधर उधर, इतना मतलब पिछले जन्मों का पता नहीं क्या नाता रहा होगा जो उसको निभाना पड़ रहा है, निभाते हैं और अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन वो उनका निजी मामला है, सीमा बच्चों का और गुलाम हैदर का निजी मामला है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ, 4 साल पहले अपने बच्चों के बारे में क्या होता बात, और अभी तो उनका मकसद चैनल चल रहा है। आपको बता दें उनके अक्सर वो बस ये चैनल, वो चैनल, इस पे चैनल, और उनके इतने दिन से पहले वहां बैठ के आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, खूब जितना कर सकते थे, सीमा का चरित्र हनन ये सब सब कुछ हुआ। अब वो बच्चों की बात कर रहे हैं, लोगों के प्रेशर में बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो धर्म की बात करते हैं, ये हो गए, सनातन हो गया, वो हो गया। धर्म बहुत छोटी चीज है, मानवता बहुत बड़ा धर्म है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप मजबूत अंग है, आप सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज के सब पक्षों को देखते हैं, अच्छी बात है। तभी मैंने आपसे खुल के बात की, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल पूछे जितना मुझसे बन सके, आपके सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मानवता के लिए ऐसे काम करते हैं आप लोगों ने। कभी उनकी पहली बीबी के जो 2 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी संपन्नता, उनके विकास, उनके लिए विशालता, उनके लिए धनोपार्जन, उनके सुख, उनकी सुविधा के लिए क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पहले उन पर भी ध्यान देना चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए।